हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग वर्तमान में कौन क्या है दोस्तों इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर न है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी अन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ये ओम बिरला जो है ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये एग्जाम पूछा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है तो देखिए लोकसभा का अध्यक्ष ये अपना पत्र ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए भारत का प्रथम लोकपाल ये पिनाके चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री ये अमित शाह जो हैं ये वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं तो देखिए सांसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ये अधीर रंजन चौधरी जो है ये सांसद के लोकलेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति ये वेंकैया नायडू जो है ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये देख साम कुछ है वर्तमान तो में भारत के राष्ट्रपति कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति ये श्री रामनाथ कोविंद जो है ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है जो कि चौदहवें नंबर के राष्ट्रपति हैं तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान तो में भारत के वित्त मंत्री कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमन जो है ये वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो देखिए गृह सचिव के रूप में ये अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे फिर से उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है तो देखिए फिर से उपराष्ट्रपति का सचिव ये आई बी को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना अनिवार्य है तो देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु ये पैंतीस वर्ष होना अनिवार्य है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है वर्तमान तो में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये सुनील अरोड़ा जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नया वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो देखिए नया वित्त सचिव के रूप में ये राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है भारत के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो देखिए भारत के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री ये श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में रेल मंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए अभी वर्तमान में रेल मंत्री ये पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये विनोद कुमार यादव जो हैं ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से कौन बने हैं तो देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से ये श्री अजीत डोभाल बने हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टी नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए अभी वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री ये श्री प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कोयला का सर्वाधिक भंडार ये किस राज्य में पाया जाता है तो देखिए कोयला का सर्वाधिक भंडार ये झारखंड राज्य में पाया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है वर्तमान तो में भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री ये रविशंकर प्रसाद जो है ये वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान तो में भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के राज्यसभा सभापति ये एम वेंकैया नायडू जो हैं ये वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत का नया विदेश मंत्री ये एस जयशंकर को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है वर्तमान तो में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश ये रंजन गोगोई जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि छियालीसवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये यदि एग्जाम पूछा है कि पैंतालीसवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो देखिए पैंतालीसवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश ये न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जो है ये पैंतालीसवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवें नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए अभी वर्तमान में लोकसभा के महासचिव ये स्नेह लता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं तो देखिए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख ये करमबीर सिंह जो है ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान तो में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानि अटॉर्नी जनरल ये के के वेणुगोपाल जो हैं ये वर्तमान है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है तो देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं तो देखिए भारतीय थल सेना के नए प्रमुख ये जनरल बिपिन रावत जो है ये भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवें नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ये स्मृता ईरानी को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवें नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे hey, भारत का नया मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है तो देखिए भारत का नया मानव संसाधन विकास मंत्री ये पोखरियाल निशांग को बनाया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना ये छब्बीस सितंबर उन्नीस सौ पचासी को जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान तो में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के यानी आर के वर्तमान गवर्नर कौन है तो देखिए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर ये शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी तो देखिए आरबीआई की स्थापना ये एक अप्रैल उन्नीस को जो है ये आरबीआई की स्थापना हुई थी तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान तो में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं तो देखिए बीएसएफ के महानिदेशक ये बी के जोहरी जो है ये बी एस एफ के महानिदेशक बने हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये थे एग्जाम पूछा है कि बी एस एफ की स्थापना कब हुई थी तो देखिए बी एस एफ की स्थापना एक दिसंबर उन्नीस सौ पैंसठ को जो है ये बी एस एफ की स्थापना हुई थी तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उनतीसवां नंबर क्वेश्चन है रसायन और उर्वरक मंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए रसायन और उर्वरक मंत्री ये डॉक्टर बी सदानंद गोंडा को नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तीसवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के सलिसिटर जनरल कौन है तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहे आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं थैंक्स फॉर वाचिंग